हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश के व्यापारियों और दुकानदारों का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि देश और प्रदेश की सरकार को लॉकडाउन के दौरान सिर्फ ई कॉमर्स कंपनियों को सामान बेचने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि स्थानीय व्यापारी और दुकानदारों का काम धंधा लॉकडाउन में ठप पड़ा है। अगर सरकार उनकी बजाय सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को बिजनेस शुरू करने और होम डिलीवरी करने की इजाज़त देता है तो सरकारी दुकानदारों का धंधा चौपट हो जाएगा। चंडीगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ वरना शर्मा की रिपोर्ट। जो सरकार का ये फैसला है, जो खरीदारी 20 तारीख से ऑनलाइन शुरू करने जा रहे हैं, इससे MNCs को तो लाभ होगा, लेकिन हमारे छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी जो पहले ही तकलीफ में है, जिनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ी हुई है, उनका बड़ा भारी नुकसान होने जा रहा है। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि भाई उनके प्रतिनिधियों से बात करके इसका कोई समाधान निकालें, ताकि उनकी रोजी रोटी पे लात ना लगे और जो आम आदमी की जो है उसकी जरूरत भी, जरूरी चीज़ें उनको उपलब्ध होती रहें।